फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन क्रिएशंस। आज मैं विंटर सीजन के एक और खूबसूरत फ्लावर गजानिया फ्लावर के बारे में बोलूंगी। गजानिया फ्लावर साउथ अफ्रीका का फ्लावर है। ये देखने में डेजी फ्लावर जैसी है, जिसको बंगाली में जारबेरा बोलते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे गजानिया कैंपिटोसा बालस, गजानिया डीसी, गजानिया हिटा चोएटा डीजी, गजानिया रिजिता, गजानिया रिजिन, गजानिया पिंटोटा, गजानिया ओथोनाइट्स। ये सारे फ्लावर्स बहुत खूबसूरत देखने में होती है, बहुत ब्राइट कलर में आते हैं और बहुत सारे सेड्स में भी होते हैं। एक पौधे में 4 या 5 फ्लावर खिलते हैं। गजानिया पौधे के लिए कड़ी से कड़ी धूप चाहिए, 6 to 7 आवर्स तक। इस पौधे को सॉफ्ट मिट्टी भी चाहिए। आप इसको 1 डे अल्टर करके वाटरिंग कर सकते हैं, पर मिट्टी बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिएगा। पौधे में जब आप वाटरिंग करेंगे तब ओनली लीव्स को छोड़ के सिर्फ मिट्टी में पानी डालना होगा, क्योंकि पानी में लीव्स अच्छी नहीं होती, नुकसान पहुंच जाती है। फिर हम देखेंगे अब कैसे हम मिट्टी तैयार करेंगे। गार्डन सॉइल 40%, कोकोपीट 20%, भर्मी कंपोस्ट 20%, नीम की खाद 20%। ये सारे कंपोजिशंस को एक साथ मिलाने के बाद आप पॉट में ऐड करेंगे। वैसे कोकोपीट सॉइल को मॉइस्ट रखते हैं, मैंने पहले बोली हूँ। इस पौधे के लिए मॉइस्चर मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। भर्मी कंपोस्ट जो इस पौधे का मेन न्यूट्रिशंस बैलेंस को ठीक रखते हैं। नीम की खाद जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाने में काम आते हैं। वैसे भी ये सारे कंपोजिशंस एक साथ जब मिल जाएंगे उसके बाद आप पॉट में डालेंगे। फिर मैं आपको बता रही हूँ एक सीक्रेट, मैंने ऑलरेडी 1 वीक हो गया ये प्लांटिंग करना। अब मैं एक लिक्विड कंपोजिशंस यूज़ कर रही हूँ जो मैं आपको बताऊँगी। वो कंपोजिशन देने पर बहुत ज़्यादा फ्लावर खिलेंगे और पौधे का ग्रोथ भी उतना ही अच्छी होगी। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसे है, 200 ग्राम मस्टर्ड केक पाउडर, 800 ग्राम काउडंग कंपोजिशन कंपोस्ट काउडंग, 4 टीस्पून टी, 1/2 टीस्पून DAP, 1/3 पोटास और 1 टीस्पून इप्सम सॉल्ट। एक साथ 1 लीटर पानी में मिलाने के बाद आप पॉट में डालेंगे। इससे बहुत अच्छी फ्लावर्स होगी, बहुत अच्छी लगेगी देखने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माई नेक्स्ट अपडेट।